नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव के मतदान का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कल प्रदेश की 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि प्रदेश में रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने रिवाज बदलने का नारा दिया है। तो कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली, 1,00,000 नौकरियां देने, बिजली और अग्निवीर को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश में मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए खुला पत्र लिखा। इसके जरिए पीएम मोदी ने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार लाने की अपील की, साथ ही डबल इंजन की सरकार के काम का जिक्र किया। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है, इस समय जब आप हमारी देवभूमि के भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण मत देने जा रहे हैं, मैं आपको आपके अनवरत आशीष और प्रेम के लिए नमन करना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने इस पत्र में भी लिखा है कि जब मैं केंद्र की सरकार में आया और हिमाचल में दूसरे दल की सरकार थी, तो उन्होंने केंद्र के काम इस प्रदेश में नहीं करने दिए, लेकिन जब 2017 में यहां हमारी सरकार आई, तब विकास का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए विकास को शिखर तक ले जाने के लिए बीजेपी को एक बार फिर से जिताएं। बता दें, पीएम मोदी रैली में भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो मुझे काम नहीं करने देगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली के कलामनुरी में यात्रा से जुड़े। आदित्य ठाकरे ने 2 घंटे तक मार्च किया। उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से कहीं अधिक है। वहीं उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आदित्य ठाकरे का साथ दिया। NCP मुखिया शरद पवार को भी इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोषियों में नलिनी श्रीहरन, संथन मुरुगन, रॉबर्ट पायरस और रविचंद्रन शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से इन्हें रिहा किए जाने की सिफारिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE की एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस साल मई में भी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक AG पेरारिविलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारिविलन 30 साल तक सलाखों के पीछे रहा था। हत्याकांड के समय पेरारिविलन 19 साल का था। उस पर LTTE के शिवरासन के लिए 9 वोल्ट की 2 बैटरी खरीदने का आरोप था। इस तरह हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोषियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अदालत का ये फैसला अस्वीकार्य एवं पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले की आलोचना करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत ने देश की भावना के अनुरूप अपना फैसला नहीं दिया। दोषियों नलिनी और RP रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और 5 अन्य दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो कानूनी उपाय तलाशेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो इसमें सोनिया गांधी की राय से भी असहमत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस मामले में कांग्रेस के विचार केंद्र सरकार के समान है। पार्टी सोनिया गांधी के विचार से सहमत नहीं है, उस विचार से कभी सहमत नहीं हुई। बता दें, साल 2000 में राजीव गांधी की पत्नी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप पर नलिनी श्रीहरन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 2008 में राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वेल्लोर जेल में जाकर मिली थी। इसके बाद 2014 में 6 और दोषियों की सजा को भी कम कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने अदालत से नलिनी को क्षमादान देने का आग्रह किया था, जो गिरफ्तार होने के समय गर्भवती थी। NDTV के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा, सोनिया गांधी ने सालों पहले बयान दिया था, हम अपने रुख पर कायम हैं। ये एक संस्थागत मामला है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में एक राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और पहचान शामिल है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहने वाले बीजेपी नेता चंद्र सिंह रावल जी को गुजरात में बीजेपी ने टिकट दिया है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्र सिंह रावल जी को गोधरा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वो 6 बार से गोधरा के विधायक हैं। बता दें, राहुल जी ने दोषियों की रिहाई को लेकर कहा था कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अच्छे संस्कार के लिए जाना जाता है। हो सकता है ये उन्हें दंडित करने का किसी का गलत इरादा हो। चंद्र सिंह ने बलात्कारियों को जेल से छूटने को अच्छे व्यवहार का नतीजा भी बताया था। मालूम हो कि बलात्कारियों की रिहाई पर एक दक्षिणपंथी समूह ने मिठाई भी बांटी थी।
अशोक गहलोत के वफादार रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीटीवी के अनुसार हरीश चौधरी ने ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटा कमजोर कर रहा है, इसे ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार हरीश चौधरी ने कहा इसे अशोक गहलोत कैबिनेट में मंजूरी के लिए उठाया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों से अवगत हैं, उन्होंने इसे कई बार सीएमएस नोटिस में लगाया था। चौधरी ने ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने की मांग की और कहा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2022 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान को घटा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी अनुमान को 7.7% से कम कर 7% कर दिया है। इसके साथ ही मूडीज का अनुमान है कि 2023 में विकास दर घटकर 4.8% और 2024 में बढ़कर करीब 6.4% हो सकती है। बता दें यूक्रेन रूस युद्ध और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के चलते भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाया गया है। मूडीज का अनुमान है कि भारत में ही नहीं दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है। पीएम मोदी अगले 2 दिनों में दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अगले 2 दिनों में मैं भारत के विकास पथ को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दक्षिण में 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा करूंगा। बता दें मोदी की यात्रा कर्नाटक में चुनाव से 6 महीने पहले और दक्षिण भारत के प्रदेशों और राज्यपाल के बीच बढ़ रही तनातनी के बीच हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मोदी का यह दौरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर में हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी दक्षिण भारत में थे जहां उनको भरपूर समर्थन मिला और इसीलिए राहुल के वहां से आगे बढ़ने के बाद अब मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। पीएम अब 4 दक्षिण भारतीय राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पर है, जहां यात्रा हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को कैमरा जीवी कहकर संबोधित करते हुए कहा कि कैमरा जीवी के लिए निसंदेह बड़े फोटो ऑप होंगे, लेकिन कोई भी चीज लोगों के साथ चलने और सुनने से जुड़ाव की बराबरी नहीं कर सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष को वजू व नमाज से नहीं रोका जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। हिंदू पक्ष ने 17 मई के आदेश को बढ़ाने की मांग अदालत से की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड में विधानसभा के विशेष सत्र में आज ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% तक किया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12% तक किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको लेकर झारखंड के लोगों से वादा किया था। राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को एक मराठी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के कुछ दिनों बाद आज गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उनके 9 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी यह गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि मराठी फिल्म में शिवाजी के चित्रण को लेकर फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी गई थी और कथित तौर पर दर्शकों की पिटाई की गई थी। ये घटना सोमवार की रात की है, जब शरद पवार की पार्टी के नेता आव्हाड और उनके समर्थकों ने ठाणे शहर के मल्टीप्लेक्स में कथित रूप से प्रवेश किया था। उन्होंने कथित तौर पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर हर हर महादेव फिल्म की स्क्रीनिंग को बाधित किया था। जांच एजेंसी ईडी ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई नई शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 3 दर्जन से अधिक वीआईपी ने कथित तौर पर डिजिटल सबूतों को मिटाने के लिए 140 से अधिक मोबाइल फोन बदले। बता दें नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। ईडी ने गुरुवार को ही आबकारी मामले में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर 2 निजी कंपनियों के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इन दोनों को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। बीते शनिवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि ईडी ने उनके निजी सहायक यानी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
दिल्ली नगर निगम यानी MCD चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया। इन गारंटियों में कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली को साफ करना, पार्किंग समस्या को खत्म करना आदि शामिल हैं। केजरीवाल ने BJP के द्वारा जारी किए गए वचन पत्र पर कहा कि BJP पहले शपथ पत्र लेकर आई थी और उसने उसे कूड़े में फेंक दिया और अब वो वचन पत्र को भी कूड़े में फेंक देगी। बता दें MCD के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। MCD चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर तक चलेगी। केजरीवाल ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MCD के चुनाव में इस बार BJP की 20 से भी कम सीटें आएंगी और अगर उनसे कहा जाए तो वे इस बात को लिखकर भी दे सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना, लड़ाई करने वालों को वोट मत देना, स्कूल बनाने वालों को वोट देना। TV एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की मौत हो गई है। 46 साल के सिद्धांत जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बता दें इससे पहले कई अभिनेताओं की मौत जिम में वर्कआउट करते वक्त हुई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम में वर्कआउट करते वक्त ही दिल का दौरा पड़ा था। सिद्धांत वीर TV के चर्चित सीरियल कुसुम, कसौटी जिंदगी की, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी और जिद्दी दिल माने नामे किरदार निभा चुके हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में चंद्रशेखर भी अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है और 15 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बरगाड़ी बेअदबी मामले के आरोपी प्रदीप सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को पटियाला शहर से 30 किलोमीटर दूर बख्शीवाला इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से 2 नाबालिग हैं। प्रदीप सिंह की पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा में गुरुवार सुबह हत्या कर दी गई थी। प्रदीप सिंह जमानत पर बाहर था, उसकी हत्या का CCTV वीडियो भी सामने आया था। इस वारदात को 6 हमलावरों ने अंजाम दिया था। प्रदीप सिंह की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में बैठा था। उसकी सुरक्षा में मौजूद एक पुलिसकर्मी और पड़ोसी दुकानदार भी गोली लगने से घायल हो गया था। 3 आरोपियों में से एक की पहचान 26 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई। जितेंद्र हरियाणा के रोहतक के कलानौर गांव का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हत्या में शामिल सभी 6 शूटरों की पहचान कर ली गई है। 4 शूटर हरियाणा और 2 पंजाब के हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से 3 आधुनिक पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए गए। आरोपी जितेंद्र को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुराना सहयोगी बताया जा रहा है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की लवलीना बोरगोहाइन, अल्फिया स्वीटी बूरा और प्रवीण हुड्डा ने गोल्ड जीता है। अल्फिया ने 81 किलोग्राम प्लस, स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम, लवलीना ने 75 किलोग्राम और प्रवीण हुड्डा ने 63 किलोग्राम कैटेगरी में मैच अपने नाम किया। फाइनल में लवलीना का मुकाबला उज्बेकिस्तान की रुजमेतोबा सोखेवा के साथ था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में खेरसोन में रूस के सैनिकों के जाने पर क्षेत्रीय प्रशासन की बिल्डिंग पर यूक्रेन के झंडे फहराए गए। BBC ने इन तस्वीरों को वेरीफाई करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में बिल्डिंग पर यूरोपियन यूनियन का भी झंडा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये अभी साफ नहीं है कि खेरसोन में किसका नियंत्रण है, लेकिन अगर वहां रहने वाले लोग यूक्रेनी झंडे के साथ सड़कों पर घूम पा रहे हैं तो इसका अंदाजा लगता है कि अब शहर में रूस के सैनिक नहीं हैं। लगातार तनाव के बीच अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के एजेंडे में ताइवान का मसला सबसे अहम हो सकता है। जो बाइडेन के साल 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात होगी। हालांकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव की वजह ताइवान भी है। पिछले दिनों ही रिपोर्ट्स आई थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को निर्देश दिए हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।